मिली, धड़ मिला है, उसके बारे में क्या कुछ करना? खजनी से सिकरीगंज रोड पर, खजनी कस्बे से पहले दाहिनी तरफ एक पोल्ट्री फार्म, उसी के जस्ट सामने एक नवजात बच्चा है, देखने से ये लग रहा है दो तीन दिन का हो, उसका धड़ नहीं सिर मिला। वो यहाँ ठुड्डी के नीचे से धड़ से अलग है और देखने से लगता है बहुत शार्प चीज से काटा गया है। कैसे कटा है, क्या कटा, वहाँ कोई उंड भी ऐसे नहीं लग रहा, जैसे लग रहा है उंड भी बंद हो चुकी है। और सड़क से इस तरह से किनारे है जैसे कि किसी चलती गाड़ी से किसी ने गाड़ी धीमा किया और धीरे से लुढ़का दिया, फेंकने की भी बात हुई। और ये 1:30-2 बजे के आसपास लोगों ने देखा है, जबकि उसी के सामने पोल्ट्री फार्म वाले के अंडे का काउंटर भी है, अगल बगल में 2-3 और दुकानें हैं, एक मैरिज लान है। इन लोगों ने कहा कि साहब सवेरे से तो कुछ ऐसा नहीं, आना जाना सबका है, कस्टमर आते जाते हैं। अचानक 1:30-2 बजे उन्होंने देखा तो बताया, मैं भी मौके पर गया था, ऐसा लग रहा है कि ये कहीं और से ला करके बिल्कुल सड़क पर डाला गया है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं नवजात शिशु की हत्या की गई और यहाँ धड़ अलग सर अलग करके धड़ यहाँ डाला गया, या फिर मृत्यु के बाद कभी कभी बच्चों का प्रवाह कर दिया जाता है, जल प्रवाह या दफन कर दिया जाता है। लेकिन जानवरों द्वारा अगर ले जाया गया होता तो थोड़ा सा उसके सर और में भी एक जगह छोटी सी चोट जैसा लग रहा है, लेकिन स्किन वगैरह सब उसकी इंटैक्ट लगभग बची हुई है, तो सारी संभावनाएं उसमें हैं। फिलहाल मुकदमा उसमें दर्ज कर लिया गया है बनाम अज्ञात, पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा जा रहा है और इस बारे में पूरा पता किया जाएगा, कोई बच्चा कहीं गुम है या कहीं तरह की बात है। वो बच्चे की मतलब लड़की की है, लड़का का कुछ? अब मैंने बताया ना कि चूँकि केवल हमारे पास सर है जी, तो सर से और वो भी मैं जो आपसे बता रहा हूँ तो डॉक्टर लोग बताएंगे, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल नवजात जैसा है, 1-2 दिन 3 दिन का हो सकता है, इससे ज़्यादा लग ही नहीं रहा है। सर पे देखो उसके बाल घने हैं, कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो उनके घने बाल होते हैं, लेकिन उसकी स्किन और ओठ और आँखें बता रही कि बच्चा बिल्कुल अभी नवजात ही था। ऐसा क्यों है, कहाँ से है, ये सारी चीज़ें अब आगे हमारे लिए बड़ा मतलब चुनौती का विषय है, उसको पता लगाएगा। हाँ सर, ठीक है सर।